बहुत खुशी हो रहा है हमें, मतलब कि इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में रहने के बावजूद भी ये सर जो है मतलब कि मशरूम की खेती कर रहे हैं। इसमें 1 से 2 केजी मशरूम अगर होता है तो 200 से 400 रुपये तक हम उसको हैं। तो एग्रीकल्चर में बहुत ऐसी संभावनाएं हैं जिसको करके हम पैसा ही नहीं प्रतिष्ठा भी पा सकते हैं। इंसुलिन हमारे शरीर को मिलता है मशरूम खाने से। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत शर्मा और अभी आप देख रहे हैं प्रमुख भारत, और इस वक्त मौजूद है हम मधेपुरा के कुमारखंड में, और आज आपको ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने के बावजूद भी अंकल जी किए हैं, मतलब कि मशरूम की खेती। आपको दिखाएंगे किस तरह से मशरूम की खेती होती है और कैसे तैयार किया जाता है मशरूम की खेती को, बाकी अंकल जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, हमारे न्यूज चैनल में आपका सर स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद। जी सर, आप कैसे मतलब कि मन में ठान लिए इस गाँव में रहने के बावजूद भी आप मशरूम की खेती करते हैं? मशरूम की खेती जरूरी है कि हमारे जो किसान, हम लोग जो छोटे छोटे किसान हैं जी, इसको मशरूम ही एक ऐसा विकल्प है जो इसको आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य बेस पर, हेल्थ बेस पर हम बेहतर कर सकते हैं। देख सकते हैं बाकी आपको कैसे मतलब कि मशरूम की खेती होती है, बाकी पूरी डिटेल में दिखाएंगे बताएंगे सर। और देख सकते हैं यहाँ से दिखाइएगा, कैमरामैन से बोलेंगे इस तरह से फोकस कीजिए किस तरह की मशरूम यहाँ से देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक टंगा हुआ है, बाकी नीचे भी में भी रखा हुआ है। सर एक बात बताइए सर, आप जो मशरूम की खेती कर रहे हैं ये सर मतलब कि कितने दिन की प्रक्रिया में ये मशरूम की खेती तैयार हो जाता है, बाकी कितने समय लगता है, कितना लेबर कॉस्ट, कितना खर्च आता है सर? ये जो मशरूम आप देख रहे हैं ये ओइस्टर प्रजाति का है जिसको हम लोग ढिंगरी मशरूम कहते हैं जी। ये ढिंगरी मशरूम की खेती जो है 20 से 30 डिग्री तापक्रम पर होता है जी, और ये 20 से 25 दिन में जो है ये फलन की अवस्था में चला आता है जी। अच्छा बात है सर, ये जो मशरूम की खेती है ये कितने प्रकार की होती है सर, और कब से लेके कब तक करते हैं? मशरूम अपने इलाके में, कोसी इलाके में जो है 3 प्रजाति की मशरूम की खेती सालों भर की जा सकती है। एक हो गया आपको बटन मशरूम जो गोला गोला करके आता है जी, उसके लिए आपको 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए जी, और 20 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर पर ओइस्टर मशरूम की खेती की जा सकती है जी, और 30 से 38 डिग्री टेम्परेचर पर मिल्की मशरूम की खेती की जा सकती है जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जी, हमारे बगल में भी है आपका जी, कि वो जो अभी मतलब मिल्की के लिए जो है उसको तैयार किया जा रहा है, मिल्की के लिए तैयार कर रहे हैं जी। तो इस प्रकार से हम सालों भर मशरूम की खेती कर सकते हैं जी, और छोटे से कमरे में, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं लगभग 3000 स्क्वायर फीट का ये जगह है जी, और 3000 स्क्वायर फीट में तकरीबन हम लगभग 1000 से ज़्यादा जो है बैगिंग कर लेते हैं जी, और एक बैग की कैपेसिटी कम से कम 1 केजी होता है, अधिक से अधिक 2 केजी तक हम मशरूम लेते हैं जी। अगर आप 1000 बैग की ही गणना करेंगे आप जी, तो 1000 बैग अगर 1 केजी मशरूम देता है जी, तो निश्चित रूप से 1000 किलो हो गया जी, बिल्कुल। और मार्केट रेट जैसा कि अभी 200 रुपये प्रति किलो जो है रहता ही है औसतन, बिल्कुल बिल्कुल, तो 200 रुपया किलो अगर देख लें तो उस हिसाब से हमारा जो है लगभग कितनी आमदनी हो रही है आप लोग अंदाजा लगा ही लीजिएगा। बाकी ये एक बात बताइए सर, एक मतलब कि बैग का जो कितना खर्च आ जाता है, कितना खर्च लगता है? एक बैग में आपको 1 से 1.5 केजी गेहूँ का भूसा चाहिए जी, और 1 से 1.5 केजी भूसा में 100 से 150 ग्राम स्पॉन्ज चाहिए जी, स्पॉन्ज जो बीज होता है मशरूम का जी, तो 2 केजी अगर भूसा मान लेते हैं हम जी, तो 10 रुपया तो 20 रुपया हो गया, 10 गुना 20 रुपया जी, और लगभग 20 से 25 रुपया के स्पॉन्ज जी, तो 50 से 60 रुपया लगा करके हम एक बैग तैयार करते हैं जी। इसमें 1 से 2 केजी मशरूम अगर होता है तो 200 से 400 रुपये तक हम उसको देख सकते हैं। 50 से 60 रुपया खर्च करके मतलब कि एक बैग में से 2 केजी निकालते हैं, मतलब 200 रुपया किलो प्रति किलो बिकता है। मान लीजिए अगर एक ही बैग में, आप अंदाजा लगा सकते हैं सर मतलब किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं। लोग कहते हैं बेरोजगार, बेरोजगारी के भूखे मतलब भूखे मर रहे हैं, लेकिन इस उम्र में भी अंकल जी जो 50 साल 60 साल के हैं इस उम्र में भी रोजगार कर रहे हैं, भूखे नहीं मर रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं। अच्छा बताइए सर, इसमें जो है मतलब कि 50 से 60 रुपया खर्च करके आप 200 रुपया प्रति किलो आप मशरूम की बेचते हैं, ये बात बताइए सर, इस क्षेत्र में किसी के द्वारा सहयोग या किसी की तरह का आइडिया कहाँ से आया इस मशरूम की खेती हम की शुरुआत करें? देखिए मशरूम के बारे में चूंकि हमको अभी जो वर्तमान में जिला कृषि पदाधिकारी हैं बालन सर जी,
इन्हीं के द्वारा आज से 7 साल पहले एक प्रेरणा मिली थी जी। आने वाले समय में मशरूम का स्कोप हो सकता है जी। तो मशरूम पर क्यों ना काम किया जाए जी। और उन्हीं दिनों से हमने उनको एक प्रेरणा लेकर के जी। और हमने काम को शुरू किया जी। तो धीरे धीरे 2 बैग 4 बैग 10 बैग अभी आप देख रहे हैं जी। कि अभी तक यहाँ तक जो हम मतलब पहुँचे हैं ये 5 से 7 वर्षों का जर्नी है जी। आज हमारे पास एक फॉर्म भी है, हम मशरूम का स्पोन बनाने के लिए लैब भी मेरे पास में है। लैब भी है, वाह क्या बात है। अपने यहाँ ही हम लोग जो है बीज का उत्पादन भी करते हैं जी। और ये करते हैं जी। इसके साथ साथ हमारे एरिया में जो भी लोग हैं जी। उन सारे लोगों को प्रेरित करने के लिए लगातार हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं बहुत खुशी मतलब कि हमको हो रही है, मतलब कि इस ग्रामीण क्षेत्र में रहने के बावजूद भी सर इस तरह की सोच रखते हैं। सर मशरूम के 2-4 फायदे बता दीजिए ताकि जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके तक पहुंच जाए। जी जी निश्चित रूप से जी। मशरूम चूंकि इंसुलिन का एक स्रोत है जी, इसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स प्रोटीन आदि तो है ही जी। इंसुलिन जो हम लोग रासायनिक भोजन करते हैं वो सबसे जो घाटे का सौदा है वो हमारे शरीर से इंसुलिन को ख़त्म कर देता है जी। और मशरूम चूंकि इंसुलिन का एक बहुत बड़ा स्रोत है जी। तो इंसुलिन हमारे शरीर को मिलता है मशरूम खाने से जी। तो हमारा जो पाचन तंत्र ठीक होता है, हमारे यहाँ कहावत है कि ऊपर भर नीचा झर वो मर्दा के कोनो न डर जी। तो जिसका पाचन तंत्र ठीक है वह कई बीमारी मतलब बीमारी से ही जो है वह मुक्त हो जाएगा जी। तो मशरूम जो लोग खाते हैं निश्चित रूप से वो डॉक्टरों के यहाँ नहीं जाते हैं जी। अच्छा एक बात है सर, ये जो मतलब कितना लेबर दिन में लगा देते हैं, कितना अभी तो सर खाली पड़ा हुआ है, कितना लेबर आके यहाँ पे काम करते हैं, कितने रोजगार हमारे यहाँ। सबसे बड़ी बात है कि हम उस काम को करते हैं जो अपने से कर सके जी। अभी आप देख रहे हैं कि अगर हम रूटीन में 10 से 20 बैग लगाना चाहें जी, तो सवेर में 1 घंटा और शाम में 1 घंटा काम करके हम इसे खेती कर जी खुद से मतलब कि करते हैं, बाकी किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है जी। अगर इस प्रकार से हम खेती करें तो स्वयं को इन्वॉल्व करके अगर 2 से 4 लाख रुपए का सालाना टर्नओवर कर ले तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी में एक विराम लग सकता है जी। बिल्कुल, बाकी आपको पूरी डिटेल से भी सर जिस तरह से बताए हैं, बाकी ये देख सकते हैं कितनी बैग यहाँ पे भरी पर मतलब कि रखा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सजा के एकदम से रखे हुए हैं। बहुत खुशी हो रहा है हमें, मतलब कि इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में रहने के बावजूद भी ये सर जो है मतलब कि मशरूम की खेती कर रहे हैं। बाकी सर युवाओं को जो बोलते हैं बेरोजगार हैं हम इस तरह से हैं, सरकार हमें रोजगार नहीं देती है, उन युवाओं को बाकी और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? हम कहना चाहेंगे युवाओं से कि आप आगे आइए और अपने माइंडसेट को बदलिए जी। क्योंकि हम जिस किसी भी सेक्टर में जाते हैं नौकरी करने के लिए, उसके बजाय अगर हम अपने आप को डेवलप करना चाहें, अपने समय का उपयोग करना चाहें, तो एग्रीकल्चर में बहुत ऐसी संभावनाएं हैं जिसको करके हम पैसा ही नहीं प्रतिष्ठा भी पा सकते हैं, और बहुत सुंदर एक आपको विकल्प मिलेगा, आप घर में रह के परिवार के साथ रह करके और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। अभी जैसे कि जो युवा करना चाहते हैं, ये मशरूम के जो युवा खेती करना चाहते हैं, उनके उनके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हम युवाओं के लिए हमारे क्षेत्र के जो भी मतलब ये इलाके के युवा हैं उनसे मेरा निवेदन है जी, अगर वो मशरूम की खेती करना चाहें जी, तो हमारे यहाँ जो निशुल्क उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है जी, और वो निशुल्क आकर के हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं जी, और हमारे समिति के तरफ से जी, जो कुछ तकनीकी सहयोग की आवश्यकता होती है जी, और हम लोग करते रहे जी। और विगत 5-7 वर्षों से कुमारखंड ही नहीं अपितु मधेपुरा जिला के कई प्रखंडों में 200 परिवारों को हर वर्ष मशरूम की खेती हम और हमारी समिति के द्वारा निशुल्क कराई जाती है जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और मशरूम की खेती के बारे में क्या अपना राय रखते हैं और सर के बारे में क्या अपना राय देना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।